दोस्तों आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों पूजा के नियम क्यों बनाए गए हैं, क्या उसके पीछे कोई कारण है या बस किसी के दिमाग में आया और बना दिया। पूजा के नियम पर आज हम व्यवहारिक चर्चा करेंगे, समझेंगे कि पूजा के नियम बने तो क्यों बने, पूजा के नियम हमें क्या सिखाते हैं। यह वीडियो आपके काम की है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखें। हर पूजा से पहले पूछा जाता है कि पूजा के नियम पता है ना? ईश्वर की पूजा को नियमों से बांधने का क्या कारण रहा होगा? पूजा के नियम बनाकर हम पर कुछ थोपा गया है या हमें कुछ सिखाने की कोशिश हुई है? सनातन धर्म और उसकी परंपराएं व्यवहारिक और विज्ञान आधारित हैं। इसे एक गूढ़ दृष्टि से समझना चाहिए। ध्यान से समझिए, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको भी चिंतन करना होगा। बहुत से लोग पूजा पाठ के विधानों पर प्रश्न खड़े करते हैं, उनका विरोध क्या उचित है क्या अनुचित। इसे छोड़कर आत्म मंथन करके कारण तलाशने में ध्यान देना होगा। आपको सोचने की दिशा इस वीडियो से मिल जाएगी, ऐसी आशा है। आज पूजा के नियम के विषय को हम समझेंगे। बहुत विस्तृत है, पर संक्षिप्त में इसे समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। पूजा के नियम की जरूरत ही क्यों है? वैसे तो भगवान को भाव से भजना चाहिए, लेकिन अनुशासन जरूरी है। भक्ति दो प्रकार की है, निष्काम भक्ति और सकाम भक्ति। निष्काम भक्ति यानी ईश्वर से स्नेह है, प्रेम है, उनके सामने विनित है, किसी खास मनोकामना की पूर्ति के लिए पूजा नहीं कर रहे, आत्मिक शांति के लिए कर रहे हैं। प्रभु जो कर रहे हैं वह मेरे लिए अच्छा है, जो करेंगे वही सबसे अच्छा होगा, मुझे वही प्रदान करेंगे जो मेरे लिए जरूरी है। यह भाव रखना निष्काम भक्ति का भाव है, कामना प्रधान नहीं है। जब किसी विशेष कामना के साथ पूजन कर रहे हैं तो उसे सरल बोलचाल में सकाम भक्ति कह सकते हैं। संपत्ति के लिए, विवाह के लिए, विद्या के लिए, नौकरी के लिए, संतान के लिए आदि आदि। यदि पूजा करने के पीछे कोई विशेष मंशा या मनोकामना है तो वह सकाम हुआ। सकाम भक्ति में पूजा के नियम का ध्यान रखना जरूरी है। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों, तो इसे एक साधारण उदाहरण से समझिए। मान लीजिए आप अपने किसी परिचित या मित्र के यहाँ जाते हैं, उससे कोई काम नहीं है, आप बस प्रेम वश गए हैं। आप अपने उस मित्र के यहाँ जब भी जाते हैं तो प्रेम वश जाते हैं, कुछ काम कराने या कुछ पाने की लालसा में नहीं। यदि आप उसके बच्चों के लिए साधारण से टॉफी भी लेकर चले जाते हैं तो भी आपके मित्र का परिवार इसे ही पर्याप्त मानेगा। क्यों? क्योंकि आप प्रेम भाव से लाए हैं। अब आप उसी मित्र के यहाँ किसी विशेष प्रयोजन से जाते हैं, उससे कोई काम कराना है, कोई लाभ लेना है, तो उस मित्र के परिवार की अभिलाषा आपसे कुछ और होगी। उनके मन में आ सकता है कि हमारे कारण इन्हें इतना फायदा होगा, पर ये बच्चों के लिए 100 रुपए का खिलौना तक नहीं लेकर आते। आप किसी आशा से वहाँ गए हैं, इसलिए प्रत्याशा यानी बदले में उन्हें भी आशा होना स्वाभाविक है। वैसे तो ईश्वर की दृष्टि में इन छोटी बातों का कोई अस्तित्व ही नहीं, परंतु पृथ्वी लोक पर हम हैं। भगवान के पूजा के नियम पृथ्वी वासियों ने बनाए हैं, उनकी दृष्टि से यह अनुचित नहीं है, इस प्रकार यह परंपरा बन गई। देखा जाए तो यह व्यवहारिक भी है। सनातन को केवल धर्म से न समझें, यह व्यवहारिक ज्ञान का उत्कृष्ट संग्रह है, जिसका पालन करने में कहीं न कहीं हमारा भी लाभ है। हमें उसमें बांधने के लिए पूजा के नियम बना दिए गए। यदि इस दृष्टि से देखें तो पूजा के नियम यह सोचकर स्वीकार करें कि इसके माध्यम से हमें सामाजिक व्यवहारिता सिखाई जा रही है। बहुत से ऐसे विधान बना दिए गए हैं जो तार्किक नहीं है। वे नियम कैसे प्रवेश कर गए कहा नहीं जा सकता। ईश्वर की पूजा और पूजा के नियम हमारे लाभ के लिए हैं, मन की शांति के लिए। पूजा से लिंग, जाति, वर्ण आदि के भेदभाव वास्तव में है ही नहीं। श्री राम ने केवट से पूजा कराई, निषाद राज की सेवा ली, शबरी माता का जूठन खाया, वानर भालुओं के साथ लंबा समय बिताया और राक्षसों का उद्धार किया। यदि कोई भेद भगवान मानते तो क्या यह सहज स्वीकारते? भगवान इन भेदों से हमें दूर रहने को कहते हैं। जीवन से प्रेम करिए, उसका सम्मान कीजिए, यही पूजा है। पूजा के बहुत से नियम हो सकते हैं आपको उचित न लगते हों, संभव है वे उचित ना भी हों, पर यह भी तो संभव है कि पूजा के उस नियम के पीछे कोई कारण रहा हो जिसे हम समझ नहीं पा रहे, हमारी दृष्टि उसे देख नहीं पा रही। बहुत सी परंपराएं देश, काल और परिस्थितियों से प्रभावित होती हैं। समय के साथ उनमें संशोधन भी होते हैं। सनातन धर्म में तो इतना लचीलापन, इतनी स्वीकार्यता है कि वह परंपराओं को लेकर बहुत उग्र या जिद्दी नहीं है। परिवर्तन को सनातन सहज स्वीकार कर लेता है। इसी कारण सनातन को मिटाने की कोई भी प्रयास सफल न हुआ।
अनादिकाल से सनातन अपने स्थान पर है। आशा है पूजा के नियम क्यों बनाए गए हैं इस पर आपकी दृष्टि कुछ स्पष्ट हुई होगी। अब पूजा के नियम की चर्चा करेंगे। पूजा के नियम बने हैं उसके पीछे का पूरा तर्क मुझे भी नहीं पता, अथाह सागर है, इस पर तो शोध चलता रहेगा। मैं आपके समक्ष पूजा के वे नियम रखता हूँ जो प्रचलित हैं। सबसे पहले बात करते हैं मंदिर में आरती के दौरान पूजा के नियम, जिन्हें ना भूलें। सबसे पहली बात मंदिर में प्रवेश और पूजा के नियम की, जिसका उल्लंघन होते रोज देखता हूँ। जब भगवान की आरती होती है उस दौरान भक्तों को वहाँ अपने द्वारा की जा रही पूजा बंद कर देनी चाहिए, आरती के दौरान आरती में सम्मिलित होना चाहिए। ऐसा देखता हूँ कि बहुत से लोग आरती के दौरान कहीं हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं तो कहीं मंत्र जप रहे हैं, यह नहीं करना चाहिए। आरती के विषय में कहा जाता है कि पूजा के विधान में जो कमी रह गई है उसे आरती से पूरा किया जाता है। जो समस्त कमियों को दूर करने वाला विधान है उससे आप वंचित न हो, उसमें सम्मिलित होकर लाभ लें। इसके बाद शिव जी के अभिषेक से जुड़े नियम अज्ञानता में लोग पालन नहीं करते। आजकल सावन में लोग विभिन्न मनोकामनाओं के लिए विभिन्न पदार्थों से शिव जी का अभिषेक करते हैं, करना भी चाहिए। दूध, शहद, गन्ने का रस, दही आदि चीजें अर्पित की जाती हैं। शिव जी के अभिषेक पूजा के नियम कहते हैं कि इन पदार्थों को अर्पित करने के बाद आखिर में जल से शिव जी का अभिषेक जरूर करना चाहिए। देखिए कितनी व्यवहारिक बात है। आपने दूध, रस, दही कुछ भी चढ़ाया उस पर मक्खियां भिन-भिन आएंगी, दुर्गंध भी होगा। यदि सब अर्पित करने के बाद जल से शिवलिंग को धो देंगे तो वह शुद्ध पवित्र हो जाएगा। इसलिए शिवलिंग को भेंट अर्पित करने के बाद जल से अभिषेक जरूर करना चाहिए। इसके बाद घंटा बजाने के नियम, जिसका पालन करें। बहुत से लोग घंटे को इतना बजाते हैं जैसे उखाड़ ही ले जाएंगे। वे सोचते हैं कि भगवान एकदम से नींद में हैं, उनका आगमन हुआ है तो भगवान को तुरंत जाग कर तैनात हो जाना चाहिए, यह मूर्खता है। घंटा लगाने के पीछे वैज्ञानिक कारण के अलावा एक अन्य कारण भी कहा गया है। देवगण आपसी चर्चा में हो सकते हैं। जैसे हम किसी के घर में प्रवेश करने से पहले उसकी अनुमति लेते हैं, वैसे ही देवालय देवताओं का घर है, वहाँ प्रवेश से पहले उन्हें सूचित कर देते हैं। अब यदि आपके घर में आने वाला कोई अतिथि एक साथ 10 बार बेल बजा दे तो आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? घंटा बजाने से जुड़े पूजा के नियम को आप इस दृष्टि से परखें। घंटा आराम से और एक बार ही बजाएं। वहां पूजा कर रहे किसी अन्य भक्त का ध्यान अगर आपके घंटा नाद से बढ़ता है तो आपको पाप लगता है। भक्ति भाव में डूबे किसी व्यक्ति को भक्ति से विमुख करने का प्रयास के लिए पूजा के नियम अक्षमय देव अपराध की श्रेणी में रखते हैं। आरती के समय ही घंटा नाद भरपूर किया जा सकता है, इसलिए तो आरती के समय कोई निजी पूजा जप आदि नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे ध्यान केंद्रित नहीं होता। इसके बाद पुष्प, पत्तियां आदि तोड़ने का हिसाब। पुष्प, पत्तियां आदि इसलिए भगवान को अर्पित की जाती हैं क्योंकि पत्तियों को थोड़ी संख्या में तोड़ने से नई शाखाएं वृक्ष में फूटती हैं। आवश्यकता से अधिक पुष्प वृक्ष के पोषण को बाधित करते हैं, पर इन्हें ज्यादा नहीं तोड़ना चाहिए, इसलिए जितनी जरूरत हो उतना ही पुष्प या पत्तियां तोड़ें। इस क्रम में डाली का नुकसान नहीं होना चाहिए। यह नियम पर्यावरण और वृक्ष विज्ञान पर आधारित है। जरूरत से ज्यादा फूल या पत्तियां ना चढ़ाएं। शहरी क्षेत्रों में जहां वन नहीं है वहां तो विशेष रूप से इसका ध्यान रखना चाहिए। लाख बेलपत्र, करोड़ पुष्प अर्पित करने की परंपरा तब की है जब वन बहुत सघन थे, इसी बहाने उनकी छटाई हो जाती थी। सघन वन में स्थापित शिवलिंग की ऐसे ही पूजा आज भी करनी चाहिए। आशा है आप इससे सहमत होंगे। इसके अलावा दैनिक पूजा के नियम जो प्रचलन में हैं, आपकी सुविधा से आप इनका पालन कर सकते हैं। ये नियम विभिन्न शास्त्रों में आते हैं, इनके पीछे कारण कुछ न कुछ तो रहा होगा, यह शोध का विषय है। पर जैसे ही मैंने कहा, भगवान तो भाव के भूखे हैं, इसलिए तो पूजा के नियम में ही इस बात का भी जिक्र है कि सबसे अच्छा यज्ञ जप यज्ञ है। जप के लिए आपको न तो कोई अधिक पुष्प तोड़ना है, न लकड़ी, न अन्य चीजें। सोचिए जब शास्त्र सबसे उत्तम जप यज्ञ को कहते हैं तो हमें उचित दिख रहा है, तो उन्हीं शास्त्रों में जो नियम कहे गए हैं उनके पीछे भी कोई ना कोई कारण रहा होगा। यह अलग बात है कि हम इसे अभी समझ नहीं पा रहे। आइए जाने पूजा के नियम जो विभिन्न स्थानों पर कहे गए हैं। सूर्य, गणेश, दुर्गा, शिव और विष्णु पंचदेव कहे जाते हैं। दैनिक पूजा में इनका पूजन करना चाहिए, इनके मंत्र आदि जप लें या इनका ध्यान कर लें।
शिव जी, गणेश जी और भैरव जी को तुलसी के पत्ते नहीं चढ़ाए जाते। तुलसी जलंधर की पत्नी थी जिनका शिव ने वध किया। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार तुलसी पहले गणेश जी से विवाह करना चाहती थी। गणेश जी के मना करने पर तुलसी ने गणेश जी को दो विवाह का श्राप दिया था, इसलिए गणेश जी को भी तुलसी नहीं चढ़ाई जाती। भैरव शिवांश है, उनके साथ शिव जी के नियम अनिवार्य चलते हैं। माँ दुर्गा को दुर्वा या दूब घास अर्पित नहीं करना चाहिए। दूब विशेष रूप से गणेश जी को अर्पित करना चाहिए। पुराणों में आता है कि गणेश जी को एक बार पेट की परेशानी हुई थी तो दुर्वा की गांठ से उनका उपचार हो गया था, इसलिए पूजा के नियम में गणेश जी को दुर्वा चढ़ाना शुभ फलदायी होता है। सूर्यदेव को शंख से जल का अर्ध नहीं देना चाहिए। सूर्य को जल तांबे के पात्र से देना सबसे अच्छा माना गया है। तांबा और सोना सूर्य की धातु है। तुलसी पत्ते को बिना स्नान किए कभी नहीं तोड़ना चाहिए। बिना स्नान किए तोड़े गए तुलसी के पत्तों को भगवान स्वीकार नहीं करते। रविवार, एकादशी, द्वादशी को तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। तुलसी का पत्ता 15 दिनों तक बासी नहीं माना जाता, इसलिए अगर आपने 15 दिन पहले तुलसी तोड़कर रख लिया है तो उसे जल से धोकर भगवान को अर्पित कर सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार देवी देवताओं का पूजन दिन में 5 बार किया जाता है। मंदिरों में इसका पालन होता है, घरों में इतना पालन हो पाना तो मुश्किल ही होता है, लेकिन यदि किया जाए तो बहुत उत्तम है। जिन घरों में नियमित रूप से 5 बार पूजन होता है वहां देवी देवताओं का आनंद पूर्ण वास माना जाता है। घर के मंदिर में भी सुबह और शाम कम से कम 2 बार आरती या पूजन कर लेना चाहिए। मंदिर में पर्दे लगाकर रखना चाहिए। रात्रि को भगवान को विश्राम भाव में रखना चाहिए। देवताओं के निमित्त जल रख कर पर्दा लगा देना चाहिए। प्लास्टिक की बोतल या पवित्र धातु से बने बर्तन में गंगा जल न रखें। लोहे और एल्युमिनियम को गंगा जल रखने के लिए अपवित्र धातु समझें। तांबे के बर्तन में रखना शुभ है। प्लास्टिक में वैसे भी पानी खराब होता है। गंगा जल को चरणामृत के रूप में हम पीते हैं तो इसका असर हो सकता है। हालांकि आज के दौर में सारी चीजें प्लास्टिक में ही पैक होकर आ रही हैं। शीशे की बोतल में जल रखें तो अच्छा है। स्त्रियों को और अपवित्र अवस्था में पुरुषों को शंख नहीं बजाना चाहिए। स्त्रियों को रोकने के पीछे कारण सही सही क्या है कहना मुश्किल है, पर शायद इससे जोर लगता है और वह उनके गर्भाशय स्थान को प्रभावित कर सकता है, पर मैं इसको लेकर श्योर नहीं हूँ। मंदिर और देवी देवताओं की मूर्ति के सामने कभी भी पीठ दिखाकर नहीं बैठना चाहिए। यह तो सामान्य शिष्टाचार है, किसी को पीठ दिखाना उसकी तौहीन है। केतकी का फूल शिवलिंग पर अर्पित नहीं करना चाहिए। शिव पुराण में इसका विस्तार से वर्णन है, जो मैं कई बार कई वीडियो में बता चुका हूँ। पूजा में दक्षिणा अवश्य चढ़ानी चाहिए। आप पूजा पाठ में इतना खर्च कर देते हैं तो जिस भगवान की सेवा में जो व्यक्ति लगा हो उसकी जरूरतें आपके माध्यम से भगवान पूरी कराते हैं, इसलिए दक्षिणा चढ़ानी चाहिए। इससे देने का भाव आता है। भगवान के मंदिर में सिर्फ लेने का भाव नहीं आना चाहिए। कभी भी मूर्तियों पर भूले से भी पैसे ना उछालें, ये बहुत बड़ा दोष है। दुर्वा या दूब घास को रविवार को तोड़ने से मना किया गया है, कुछ कारण होगा। माँ लक्ष्मी को कमल का फूल विशेष प्रिय है। माता कमल वासनी है। नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा निकले, नारायणी को कमल प्रिय होगा ही। पति पत्नी एक दूसरे की पसंद को अपनी पसंद बनाए तो गृहस्थी की गाड़ी सरपट दौड़ती है। आजकल बड़े स्कूल में बच्चों का एडमिशन लेने से पहले माता पिता का अलग से इंटरव्यू किया जाता है। दोनों से बच्चों के बारे में अलग अलग बिठा कर पूछा जाता है। बच्चों की पसंद नापसंद पर सवाल किए जाते हैं। यह सब परखने के लिए किया जाता है कि क्या आप उस पर ध्यान देते हैं। एक दूसरे की पसंद को अपनी पसंद बना लेने से बहुत से कंफ्यूजन अपने आप दूर हो जाते हैं। शिव जी को प्रिय बिल्व पत्र को 6 माह तक बासी नहीं माना जाता। 6 माह पुराना बिल्व पत्र भी यदि है और वह खराब नहीं हुआ है तो जल छिड़क कर आप उसे शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं। भगवान को पुष्प आदि किसी बर्तन में रखकर फिर निकालते हुए अर्पित करना चाहिए, वैसे ही जैसे किसी को कुछ परोसा जाता है। यह भी सामान्य शिष्टाचार सिखाने वाली परंपरा है। तांबे के बर्तन में पीसा हुआ या घिसा हुआ चंदन या चंदन का पानी नहीं रखना चाहिए, इसके पीछे वैज्ञानिक आधार है। कभी भी दीपक से दीपक नहीं जलाना चाहिए, ऐसा करने से व्यक्ति रोगी होता है। साधारण सी बात है, दीप से दीप जलाने के लिए दीपक को टेढ़ा करना होगा। इस क्रम में तेल गिरेगा और आपका शरीर जल सकता है। बुधवार और रविवार को पीपल के वृक्ष में जल अर्पित नहीं करना चाहिए, कुछ कारण होगा, क्या कारण कह नहीं सकते। पूजा हमेशा पूर्व या उत्तर दिशा या उत्तर पूर्व अग्नेय में करना चाहिए। पूजा के आसन को पैर से नहीं खिसकाएं।
घर के मंदिर में सुबह एवं शाम को दीपक अवश्य जलाएं। एक दीपक घी का और एक दीपक तेल का जलाना चाहिए। पूजा करने के बाद परिक्रमा की जाती है। यदि परिक्रमा की जगह नहीं है तो उसे स्थान पर खड़े होकर 3 बार परिक्रमा अवश्य कर लेनी चाहिए। भगवान की चरणों में 4 बार आरती, नाभि की 2 बार और मुख की 1 या 3 बार आरती की जाती है। इस प्रकार भगवान के समस्त अंगों की कम से कम 7 बार आरती करनी चाहिए। पूजा घर में मूर्तियां 1, 3, 5, 7, 9, 11 इंच तक की होनी श्रेष्ठ मानी गई है। इससे बड़ी न रखें। खड़ी प्रतिमाएं, खासकर गणेश जी, सरस्वती जी, लक्ष्मी जी की मूर्तियां घर में न रखें। हनुमान जी की, श्री राम परिवार, श्री कृष्ण की खड़ी मूर्तियों की पूजा होती है। घर के मंदिर में गणेश जी या देवी की 3 प्रतिमाएं न रखें। 2 शिवलिंग, 2 शालिग्राम, 2 सूर्य प्रतिमाएं, 2 गोमती चक्र 2 की संख्या में नहीं रखना चाहिए। उपहार में मिली मूर्ति, खंडित मूर्ति, जली फटी तस्वीरें और टूटा कांच तुरंत हटा दें। शिवलिंग को खंडित नहीं माना जाता। जहां भी शून्य है वहां शिव है, इसलिए शिवलिंग जैसे भी है पूज्य है। खंडित मूर्तियों को पूजा स्थल से हटाकर किसी पवित्र जल में प्रवाहित कर देना चाहिए। हालांकि तांबे के अतिरिक्त किसी और चीज को जल में प्रवाहित नहीं करना चाहिए। अभी जल प्रदूषण की बड़ी समस्या है। मंदिर में कुछ न रखें। भगवान के वस्त्र, पुस्तकें आदि मंदिर के ऊपर न रखें। अपने पूर्वजों की प्रतिमा देवस्थान में नहीं रखनी चाहिए। उन्हें घर के नेतृत्व कोण में स्थापित करें। देवताओं के साथ न रखें। भगवान विष्णु की 4 परिक्रमा, गणेश जी की 3 परिक्रमा, सूर्य की 7 परिक्रमा, माँ दुर्गा की 1 एवं शिव जी की आधी परिक्रमा का विधान है। पीपल वृक्ष पर सभी देवों का वास है, इसलिए उसकी भी 7 परिक्रमा होती है। तो ये थे दोस्तों पूजा के नियम। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी, अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मैं प्रयास करूंगा कि और भी ऐसे वीडियो आपके लिए लाता रहूं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।